और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश ग्रीस से जो आ रही है, ग्रीस की कवाला में यूक्रेन का एक विमान हादसे का शिकार हो गया है। ये विमान सामान लाने ले जाने वाला कार्गो विमान था। बताया जा रहा है कि इस विमान में हथियार लदे हुए थे। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि हथियार थे या नहीं, लेकिन ग्रीस के हथियार एक्सपर्ट हादसे वाली जगह पहुंच रहे हैं। पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन लैंडिंग हो नहीं पाई और विमान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें भी आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान में कितने लोग सवार थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस विमान में हथियार लदे हुए थे और ऐसे में जो हथियार एक्सपर्ट हैं ग्रीस के, वो मौके वाली जगह कवाला में पहुंच रहे हैं। तो यूक्रेन का ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ, हादसे का शिकार होने से पहले पायलट ने यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और जिसके बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। ये विमान कार्गो ले जाने वाला विमान था, सामान लाने ले जाने वाला विमान था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसमें हथियार लदे हुए थे। हथियार एक्सपर्ट जो ग्रीस के हैं, वो मौके वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। तो ग्रीस में यूक्रेन का ये विमान हादसे का शिकार हुआ, कितने लोग सवार थे अभी ये पता नहीं चल पाया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो आप सर्कल के अंदर देख पा रहे हैं वो विमान है जो लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। यूक्रेन का ये विमान था जो ग्रीस के कवाला में हादसे का शिकार हुआ। ABP News आपको रखे आगे।